मेरी मॉडल को मैंने कंफर्ट, ठीक है, क्योंकि जब भी आप मेकअप करते हो तो आपकी मॉडल जो है दो घंटे सेम पोजीशन पे आपके पास बैठेगी, करेक्ट, तो उसको कंफर्ट जोन में रखना बहुत जरूरी। कभी ये दर्द कर रहा है, कभी वो दर्द कर रहा है, या उसको थोड़ी थोड़ी देर में आप पूछते रहेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसके फेस में क्या नजर आ रहा है। जब भी हम लोग मेकअप करते हैं तो हमें स्टडी करना होता है हमारे मॉडल को कि उसके फेस पे क्या चीज है, क्या चीज की कमी है। आप लोगों को लग रहा है कि ऐसी फेयर कॉम्प्लेक्शन की जो लड़कियां आती है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अच्छी मॉडल है, इसमें तो अच्छा काम होता है, और ऐसी मॉडल आती है तो हम क्या सीखेंगे। फेयर कॉम्प्लेक्शन में मेकअप करना सबसे बड़ा चुनौती वाला काम होता है कंपैरेटिवली उस मॉडल में। इस मॉडल पे आप अच्छा काम कर सकते हो, इस मॉडल पे अगर थोड़ा सा आपने कलर मिस कर दिया तो ये कलर डार्क हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर इसके पिगमेंटेशन आपको नजर आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, अगर ये पिगमेंटेशन थोड़े से भी इसके नहीं छुपे या 19-20 आपने कमी छोड़ दी तो इसका जो मेकअप है वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। फेयर कॉम्प्लेक्शन पे थोड़ा सा भी फेयर कॉम्प्लेक्शन पे आपने कलर ज़्यादा दे दिया ब्लशर में, आई शेडो में, तो वो क्या लगेगी, रासलीला की सीता, ठीक है, वो ड्रामेटिकल मेकअप हो जाएगा, वो स्टेज मेकअप हो जाएगा। हमें क्या करना है, सोसाइटी मेकअप, ब्राइड को हम क्या बोलेंगे, सोसाइटी मेकअप, ओके। सोसाइटी मेकअप क्यों बोलेंगे, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, सब करीब करीब रहते हैं और उसको करीब से देखना होता है, राइट। तो सोसाइटी मेकअप जो है वो ब्राइड का होता है और उसको हमें बहुत करीब से देखना होता है, तो हमेशा जो ब्राइड है वो अपनी तो लगे, पराई नहीं लगनी चाहिए, वो मॉडल अपनी लग, मतलब मॉडल नहीं लगनी चाहिए, दुल्हन अपनी लगनी चाहिए। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है आपकी डिमांड क्या है, आज की डिमांड क्या है, दुल्हन क्या बोलती है, मेकअप लाइट करना, घर वाले क्या बोलते हैं, मेकअप लाइट करना, ठीक है। और अच्छे पोस्टर्स भी आप देखेंगे ना कहीं भी, यहाँ पे गाल लाल नहीं दिखेंगे आपको, किसी मैगजीन को उठा लेना, किसी शाइन बोर्ड को देख लेना, ये लाल और ये लाल, ये सब कुछ नहीं दिखेगा, सेटल और बैलेंस दिखेगा। तो जो सोसाइटी मेकअप करते हैं, जो ब्राइड का मेकअप करते हैं, वो हमेशा सेटल होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, डिसेंसी होनी चाहिए, ओके। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई भी मॉडल होती है या हमारा जो फेस होता है जिस ब्राइड पे हम काम कर रहे हैं, हमें उसके फेस को पढ़ना है कि उसके फेस पे क्या चीज़ें हैं, उसके फीचर्स कैसे हैं, हमें उसको कैसे और ज़्यादा एनहांस करना है, हमें उसकी खूबसूरती को कैसे बढ़ाना है, उसके फीचर्स में जो कमी है उसको कैसे पूरा करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फेस को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। नंबर वन में आपका आईब्रोज तक का हिस्सा आ गया, नंबर टू में आपको मैक्सिमम काम करना होता है क्योंकि आईब्रोज, नोज कंटोरिंग, चिक बोन्स और नोज ब्रिज तक का आपका सारा काम नंबर टू में आता है। नंबर थ्री आपके जॉ लाइन को शार्प करना, फेस को एक शेप देना, और हैवीनेस है, चबीनेस है, किस चीज को हमें उठाना है, वो सारी चीजें पढ़ना। तो ऐसे करके हमारे फेस को जब हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं फिर तो हमारे काम आसान हो जाता है, ठीक है। अब हमारे फेस में क्या क्या चीजें हैं तो हम उसको स्टडी करेंगे। फॉरहेड इसका परफेक्ट है, ठीक है, जॉ लाइन ठीक है, लिप्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है, नोज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, शार्प है नोज, उसमें भी अच्छा काम हो सकता है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है, पिगमेंटेशन स्कैटर्ड वाले नजर आ रहे हैं आपको, हल्के से डार्क सर्कल्स। अब हमें ये ब्यूटीफुल है, हम इसको और ज्यादा ब्यूटीफुल
कैसे बनाना है, हमारा टारगेट बोल रहे हैं, करेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ से करेंगे, फेस अच्छे से क्लीन करना, नंबर वन। जिस चीज़ पर आप काम करते हो वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए आपका फेस। तो आप क्या करेंगे, अगर आप बेड टिश्यूज लेंगे, अदरवाइज आप प्रॉपरली क्लेंजर यूज करेंगे, राइट। तो हमें सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फेस एकदम अच्छी तरह से क्लीन करना है, ड्राई फिटर्स नहीं करना है, उसने कौन सी क्रीम लगाई है उसको क्लेंजर करते हैं, क्लेंजर करने के बाद में हम उसको सारी चीज़ें बाद में करते हैं, राइट। तो सबसे पहले फेस की क्लेंजिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। फेस क्लेंजिंग होने के बाद आपका मेकअप स्टार्ट होता है। और आपकी जो ब्राइड की ड्रेस है वो अच्छे से कवर होनी चाहिए ताकि उसके ड्रेस, उसके ब्लाउज कहीं भी उस पर कोई भी किसी भी तरह का आपका प्रोडक्ट नहीं गिरना चाहिए। तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से कवर करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाऊंगी, आप बुरा मत मानना, ठीक है, ओके। ये क्यों, क्योंकि हम लोग ब्रश चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे गाउन भी खराब होते हैं, या हो सकता है आपने गाउन नहीं पहनाया है तो हमारी ब्राइड का भी होता है। दूसरा, जितना एक्सपोजर पार्ट है वो पूरा कवर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जितना एक्सपोजर पार्ट है यानी कि जितना भी पार्ट दिख रहा है, इवन कान भी इंक्लूडेड होते हैं, वो अच्छे से कवर होना बहुत जरूरी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी ब्राइड का जो भी एप्लीकेशन किया है हम अच्छी तरह से उसको क्लीन करेंगे, सारी जो भी फेस पे एक्स्ट्रा क्रीम होगी, एक्स्ट्रा ऑयल होगा, वो सब हम लोग पहले क्लीन करेंगे। अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स पे। तो नंबर वन प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, अगर ड्राई स्किन है तो हमें सबसे पहले चाहिए अच्छा सा मॉइस्चराइजर। उसके बाद मॉइस्चराइजर को हम 5 मिनट का टाइम देंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फेस प्राइमर। फेस प्राइमर क्यों ज़रूरी है वो बताएगा उसका जवाब, कुछ अच्छा सा मेरे पास गिफ्ट भी है अगर आप अच्छे जवाब दोगे तो। मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेके आई हूँ, अगर आप कुछ अच्छे जवाब दोगे तो मैं आपको गिफ्ट दे सकती हूँ। फेस प्राइमर क्यों ज़रूरी, प्राइमर का काम क्या होता है ये मैं बताती हूँ, ये मैं खुद बनाती हूँ। प्राइमर का काम क्या होता है, जितना भी हमारी स्किन जो है वो कभी भी इवन टोन नहीं होती है। जैसे आपने बताया कि हमारे पोर्स जो होते हैं, हमारी स्किन में रोम छिद्र होते हैं, उसको वो इवन टोन करता है। दूसरा, हमारी स्किन कई बार कॉम्बिनेशन स्किन है, कहीं ऑयली स्किन होती है, कहीं ड्राई स्किन होती है, यहाँ पे रफनेस होती है। तो हम जो प्रोडक्ट लगाते हैं जो ड्राई स्किन है वहाँ पे तो वो मतलब खुदूरा सा अपन दिखेगा, और अगर बाकी का जो एरिया है ऑयली स्किन है वहाँ पर वो स्लिपरी हो जाएगा, तो इवन टोन रिजल्ट नहीं आते। तो इसका अगर शॉर्टकट आंसर है वो ये है कि फेस को इवन टोन करने के लिए और इक्वल एप्लीकेशन बेस के देने के लिए हम लोग को प्राइमर बनाना होता है, इसलिए हम लोग प्राइमर, राइट। तो प्राइमर का काम होता है आपकी स्किन को इवन टोन करता है, और आपके मेकअप प्रोडक्ट्स जो भी आप बेस लगाते हो उस बेस को स्मूथली इक्वली उसको स्प्रेड आउट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी जो वेदर चेंज हुआ है, देखो हर मौसम में हमारी स्किन उम्र के साथ और समय के साथ हमारी त्वचा बदलती है, ये निश्चित है।
सर्दियों में देखेंगे हमारे स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, गर्मियों में देखेंगे हमारे स्किन में ऑयल आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉइस्चराइजर क्या ले रहे हो, आप प्राइमर क्या ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी जैसे कि हमारा वेदर चेंज होता जा रहा है, एसी भी चल रहा है और नेचुरली भी वेदर हमारा चेंज हो रहा है, तो मैं देख रही हूँ इनकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, नॉर्मल स्किन है बट ड्राइनेस थोड़ी सी है, राइट। तो मैं क्या करूँगी इसमें, अब आपको ध्यान रखना है कोरोना के बाद में आप सबको मेकअप जब भी स्टार्ट करते हैं बिना प्लेट के आपको मेकअप नहीं करना है, ठीक है। इसके बिना आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना है। ये प्रोडक्ट मैंने अगर लिया है तो मैंने इस तरह से लिया है ताकि मैं प्रोडक्ट को बार बार इसको टच ना करूं, राइट। मैंने कितनी क्वांटिटी ली है, वेरी लेस, सी मोर देन इनफ, इससे ज्यादा लूंगी तो मेरे मेकअप के रिजल्ट्स में अंतर आएगा। बस इसको मुझे स्प्रेड आउट कर देना है। और अगर किसी का ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन है तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों को आपको क्या करना है, जहां पे ऑयली पार्ट है वहां पे लास्ट में आपको हाथ फेरना है, बाकी जो ड्राई पार्ट है उस पर प्रोडक्ट देना है। मैंने मेकअप स्टूडियो का 24 आवर्स वाला मॉइस्चराइजर लिया है, बहुत अच्छा एंटी एजिंग क्रीम की तरह काम करता है और ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छा है। मेकअप करने से पहले अगर आप लगाते हो, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों की जो स्किन है वो ड्राई होती है। अब हमारे पास प्राइमर में भी बहुत सारे चॉइसेस हैं, इसीलिए सारे रखे मैंने सामने ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर कर पाऊँ। प्राइमर हमारे पास में अलग अलग होते हैं, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर भी होता है, जेल बेस्ड प्राइमर भी होता है, ऑयल बेस्ड प्राइमर भी होता है, ठीक है। ये मेरे पास ऑयल बेस्ड प्राइमर है, इसमें थोड़े से गोल्डन स्पार्कल्स भी है, ठीक है। तो ये किस लिए है, एक्सेसिव ऑयली स्किन, अगर किसी की ड्राई स्किन है, किसी की एक्सेसिव ड्राई स्किन में और थोड़ा सा हमें ग्लॉस चाहिए तो हम इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ये ब्राइड है तो ब्राइड को क्या चाहिए, स्किन में थोड़ा सा ग्लो नजर आना चाहिए, राइट। तो हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगेन मैं प्लेट लूंगी, और एक लिक्विड लिमिनेटर भी आता है, आप वो भी यूज कर सकते हो, लिक्विड लिमिनेटर भी यूज कर सकते हो। मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप लिया है और 2 ड्रॉप लेके मैं पूरे फेस पे उसको इवन ब्लॉट करूंगी विद द ब्रश। क्योंकि मुझे इनकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन है उसको भी कवर करना है, अगर मैं ज्यादा ग्रीसी कर दूंगी तो इनके जो पिगमेंटेशन है वो बहुत अच्छे से मैं स्प्रेड आउट, मतलब प्रॉपरली कवर नहीं कर पाऊंगी, राइट। मुझे स्किन में स्मूथनेस चाहिए, राइट। अब एक और चीज है, मैं जब भी मेकअप करती हूँ या मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ, जब भी आप मेकअप करो आप आई मेकअप पहले करो। रीजन क्या होता है, अराउंड द आईज आपने कवर किया, ठीक है। तो अंडर आई डार्क सर्कल्स जो है वो हमेशा अराउंड द आईज, हमारी स्किन, हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा पतली स्किन जो है वो आंखों के आसपास की होती है या आंखों की होती है। तो इसमें अगर हम प्रोडक्ट की लेयर्स ज्यादा करते हैं तो इसमें क्या होता है, लाइंस बहुत जल्दी आ जाती है,
दूसरा जब भी हम लोग फेस पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शेडोज वगैरह है वो फॉल करते हैं, तो यहाँ पे गिरते हैं, फिर हम उसको कवर करने के लिए फिर कुछ प्रोडक्ट लगा देते हैं, तो बार बार ओवरकोटिंग हो जाती है। तो हमेशा जब भी आप काम करो आई मेकअप से स्टार्ट करें, तो जब ब्राइट जाएगी उसका फेस जो है वो ब्राइट दिखेगा, क्लियर दिखेगा, फ्रेश दिखेगा, और आपको बार बार फिनिशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार फिनिशिंग करने की वजह से ओवरकोटेड हो जाता है फेस, तो वो भी नहीं होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आई मेकअप से को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आंखों को पढ़ना पड़ेगा, आंखें कैसी है उसको देखना पड़ेगा, आंखों की शेप क्या है और हमें हमारी डिजायर शेप क्या है हमें देखना पड़ेगा। तो आंखों में ज्यादातर जो ब्राइट है उसको हम लोग क्या दे रहे हैं, इंडियन लुक दे रहे हैं, ट्रेडिशनल लुक दे रहे हैं, इंडियन ट्रेडिशनल लुक दे रहे हैं, अरेबिक दे रहे हैं, पाकिस्तानी दे रहे हैं, या स्मोकी आई के साथ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप स्मोकी आई मेकअप कर रहे हो तो आपको डी शेप लेना है, आप अरेबिक कर रहे हो तो आपको पॉइंटेड लेना है, अगर आपको ट्रेडिशनल पे जाना है तो आप आलमंड आईज क्रिएट कर सकते हो, तो ये भी डिपेंड करता है। दूसरा सबसे ज्यादा आंखों की शेप, आंखों की अगर गोल शेप है तो गोल शेप को हमें क्या करना है, आंखों को लंबा दिखाना है, हम क्या करेंगे अरेबिक पे जाएंगे, राइट। अगर किसी की बहुत लंबी और पतली आंखें हैं तो हम डी शेप पे जाएंगे, फिर हम स्मोकी करेंगे तो वो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हमेशा फीचर्स को पढ़ना बहुत ज्यादा, फीचर्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट। तो पहले जब आप फीचर्स को समझोगे तो ये काम आपका बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारी जो आंख है वो कैसी है, गोल है, थोड़ी छोटी है, हमें क्या करना है इसको बड़ा दिखाना है, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं ट्रेडिशनल ब्राइट, तो हम इसमें अरेबिक पे भी जा सकते हैं और हम इसको आलमंड आइज पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा कई बार हम लोग तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स निकाल देते हैं सुंदर बनाने के चक्कर में, हम आंखें ऐसी, तो वो क्या हो जाता है, वो कथकली या फिर भरतनाट्यम, डिफरेंट डिफरेंट लुक्स निकल के आते हैं जब हम ब्राइट क्रिएट करते हैं, जो नेचुरलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा नेचुरल उस पर सोसाइटी मेकअप को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है, राइट। तो आईब्रोज करने जब भी हम लोग आई मेकअप स्टार्ट करते हैं तो ये क्या है, ये हमारा बॉर्डर एक बैलेंस है, तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम क्या करेंगे, आईब्रोज को थोड़ा सा हम ग्रूम करेंगे, और आईब्रोज ग्रूम करने के बाद में हम हमारा आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो आईब्रोज कैसे ग्रूम करनी है मैं बताती हूँ, जितना छोटे पार्ट पे आप काम करते हो आपको ब्रश का साइज उतना मिनिमाइज करते हुए जाना है। अब ज्यादातर हम आईब्रोज जब ग्रूम करते हैं तो आईब्रोज आर्टिफिशियल हो जाती है, कितने लोग सहमत है, ठीक है। और आईब्रोज ही एक ऐसी चीज है जिससे आप पूरा ड्रामेटिकल लुक जो है वो आईब्रोज की वजह से आ जाता है। और जब भी हम लोग प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे हम क्या करेंगे, आर्च से करेंगे, कभी भी फ्रंट से नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्शन इसका कैसा है, फेयर है, तो हम क्या करेंगे, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर लिया है मैंने, ना कि मैंने ब्लैक लिया है। अब दोनों आईब्रोज में क्या नजर आ रहा है, नेचुरली नजर आ रही, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, सुप्रिया डर्मा का डार्क कलर लिया, इसके अंदर ब्लैक आई शेडो ऐड किया। आईब्रो ग्रूमिंग की बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत महंगे, आपको कम बजट में अच्छा काम करना है, ठीक है। ब्लैक आई शेडो बटन कुछ नहीं, मैम आप जूम करके बता दो, बिल्कुल 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 आपको हर चीज क्लियर करूंगी, डोंट वरी। तो मैंने कुछ नहीं किया इसमें, ब्लैक आई शेडो ऐड किया और डार्क ब्राउन के साथ में इसको और आर्ट से कर, और बालों की जो डायरेक्शन है, बालों की जो शेप है, मैं उसी के डायरेक्शन में काम कर रही हूं,
एंगुलर ब्रश लिया है मैंने, एंगुलर ब्रश के पॉइंट्स दे दूंगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, आईब्रोज को तीन, हमारे आई मेकअप को भी अगेन हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, नंबर वन हाइलाइटर, नंबर टू आई शॉर्टनर एरिया और नंबर थ्री आई लिड एरिया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ब्रश यूज किया, हैंडवेयर उसको क्लीन किया, क्योंकि गलती से भी अगर मैंने जल्दी में ये ले लिया, मुझे नाइट कलर लगाना था, मेरा क्या होगा, काले कर जाएगा, इमीडिएटली मैंने उसको क्लीन कर दिया। ये हमेशा टिश्यू पेपर और प्रिपरेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। अब हम आते हैं नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। तो हम लोग हाईलाइट से स्टार्ट करते हैं कि हमें हाईलाइट्स कैसे लगाना है, हाईलाइट्स के कलर्स क्या होंगे। से भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाथ से जो प्रोडक्ट का इंटेंस आता है वो बहुत अच्छा है। तो हम थोड़ा सा वक्त देंगे, थोड़ा सेटल होने के लिए। पाँच मिनट, दो सेकंड का वक्त देंगे ना, ताकि थोड़ा सेटल हो जाए। और इधर अगर आपने को लगता है कि इतना भी वक्त हमारे पास देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको बहुत लेस क्वांटिटी में लेके पाउडर को डैप कर देना, ताकि जो इसके अंदर का ऑयल है वो थोड़ा सा सेट आउट हो जाए। हाइलाइट एरिया में आपने थोड़ा बहुत काम कर लिया, अब हम आएंगे आई शॉर्ट एरिया नंबर टू।
राइट। तो नंबर टू हमारा रेड लहंगा है, स्किन कॉम्प्लेक्शन फेयर है, हमें बहुत सैटन लुक देना है, तो हम उठाएंगे। और हमेशा आईशोपेड एरिया पे जब भी आप काम करते हो आप मैट फिनिश में काम करें। ओके, तो मैट फिनिश में मैं क्या कर रही हूँ, ब्राउन शेड ले रही हूँ। राइट, सबसे पहले मैंने लिया ब्राउन शेड, स्मर्जिंग ब्रश लिया है ब्राउन वाला, और एक लिमिटेड क्वांटिटी में मैंने प्रोडक्ट उठाया। और आई शॉपेड एरिया जिसको बोलते हैं, जहाँ से हमारी आँख खुलती और बंद होती है, उसको हम लोग आई शॉपेड एरिया बोलते हैं। राइट, मैंने मेंटेन करके चल रही हूँ। आप देख रहे हो आई मेकअप बहुत डीप स्टडी, दोनों आंखों के बीच में कितना गैप है, थोड़ी सी जो आइज है वो डूपी आइज है, तो हमें उसको थोड़ा सा और बेटर उसमें कर देते हैं। अब मैं सोच रही हूँ ऐसे साथ में ब्लैक उठा रही हूँ कॉर्नर्स पे, क्योंकि इसकी जो गोल आइज है मुझे उसको शेप अप करना है। ये ध्यान रखना है कि हमें कितना
तो आपको करना है एक्सटेंड करना, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, ज़्यादा एक्सटेंड करने से वो ग्रामेटिकल हो जाएगा। कलर से डरना नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए, कलर से कभी भी डरना नहीं है। और ये जो आईब्रोज है इससे बाहर हमारा शेडो नहीं जाना।